हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ कॉर्न की चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम कॉर्न लिया है, एक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, 3 कटे हुए टमाटर लिए हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया की पत्ती और 2 चम्मच तेल। सबसे पहले हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे, तो हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हरी मिर्च लहसुन डालेंगे और टमाटर डाल लेंगे, इनको पीस लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने इसकी प्यूरी बना ली टमाटर की। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल गर्म हो गया, उसमें हमने जीरा डाल दिया है और अब प्याज डाल देंगे हम। प्याज को आधे से 1 मिनट तक हम पकाएंगे तेज आंच में, प्याज को चलाते रहेंगे। और ये देखिए प्याज भून गई है और इसमें अब हम प्यूरी डाल देंगे टमाटर की, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे प्यूरी को, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए धीरे धीरे इसमें से तेल निकलने लगा है, चलाते रहेंगे जिससे कि जले नहीं और गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे। और इसमें अब हम मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मसाले पक गए हैं और इसमें अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक को मिला देंगे और अब हम धीमी आंच में 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे सब्जी को। एक मिनट हो गया है, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए शिमला मिर्च पक गई है, चला देंगे सब्जी को और हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अब इसमें हम कॉर्न मिक्स कर देंगे। कॉर्न को आधे मिनट तक हम धीमी आंच में पकाएंगे सब्जी के साथ में। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी लास्ट में डाल सकते हैं, सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे। और अब इसमें हम धनिया पत्ती मिला देंगे। चटपटी सब्जी बनकर रेडी है कॉर्न की, इसे अब हम सर्व करेंगे एक बर्तन में। कॉर्न की सब्जी को हमने सर्व कर लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है चटपटी सब्जी बनी हुई है। मैंने यहाँ पे फ्रोजन कॉर्न यूज़ किए थे, अगर आप नॉर्मल कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें पहले थोड़ा सा बॉईल कर लें, फिर उसके बाद पानी हटाकर उसका फिर सब्जी में डालें जिससे कि वो पके हुए रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।